तो आज मैं आपको बताऊंगा चिकन फ्राई कैसे बनाया जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और सबसे पहले आप चिकन देखिए, एकदम सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा आपका। और इस चिकन को अगर आप एक बार घर पर बना लोगे ना, बार बार इसी रेसिपी को ट्राई करोगे, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले मैंने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन को देखिए मैंने धोया नहीं है। सबसे पहले आपको धोने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने चिकन में ना 1 चम्मच नमक ऐड करना है और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें विनेगर या लेमन जूस डालना है। अच्छी तरह से आपने चिकन को नमक और विनेगर के साथ मिक्स कर लेना है। नमक और विनेगर से चिकन को धोएंगे, सारे का सारा ब्लड इससे निकल जाता है और चिकन को जब हम खाते हैं ना उससे स्मेल भी नहीं आती है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और जब भी आप चिकन फ्राई बनाए ना, पीसीज आपने थोड़े छोटे छोटे करवाने हैं ताकि चिकन वो जल्दी पक जाए। और ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करते हैं, फिर थोड़ा पानी आपने इसमें और ऐड करना है। तो क्या देखिए, आप देख सकते हैं जैसे हमने नमक और विनेगर के साथ चिकन को मिक्स किया ना, इसका सारे का सारा ब्लड पानी के अंदर आ चुका है। इसके बाद इसका पानी हटा दीजिए और 2 पानी से इसको धो लीजिए। अब देखिए चिकन कितना अच्छा वाइडनेस आ चुकी है इसमें। तो इसी तरह से आज के बाद आपने चिकन को धोना है और जो लेग पीस है ना उसको भी काट दीजिए, क्योंकि लेग पीस ना अगर जल्दी पकाने हो तो उनके छोटे पीस आपने कर देने हैं। अब मैरिनेट करेंगे चिकन को। 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, 1/2 छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, 1/2 छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लेना है। और कुछ नहीं डालना आपने इसकी मैरिनेशन के अंदर। इससे चिकन में कलर भी अच्छा आएगा और नमक मिर्ची का टेस्ट भी अंदर तक आएगा। तो ये देखिए चिकन अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। अब दूसरा स्टेप क्या है, मसाला बनाएंगे। चिकन फ्राई का अलग ही मसाला बनाया जाता है। 7 से 8 आपने कश्मीरी मिर्च या ब्याद की मिर्ची लेनी है, देखिए इस तरह की होती है। और इसको आपने पैन के अंदर ना तोड़ के ही डालना है। ये ना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और कलर अच्छा आता है इससे चिकन में। 4 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कर दीजिए, 2 आपने इसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है, 2 छोटे टुकड़े आपने इसमें दालचीनी के डालने हैं। इसके साथ में 2 से 3 आपने लौंग डालने हैं। ज़्यादा लौंग का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो मसाला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। छोटा सा टुकड़ा आपने इसमें जावित्री ऐड करनी है। 12 से 15 आप इसमें काली मिर्च डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच भर के। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें साबुत धनिया डालना है। तो ये सारे मसाले आपने इस चिकन को बनाने के लिए यूज़ करने हैं। अब आपने गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और लो फ्लेम में आपने इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो भी एक्टिवेट हो जाए और दूसरा जो मसालों के अंदर मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाए। मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, मसाले अच्छे से पीस जाते हैं। तो ओके देखिए मसालों को यहाँ पर ने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसके बाद आपने मसालों को ना ठंडा होने देना है। और एक बात, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो साबुत वाली तो आप कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मसालों को मैंने ठंडा करके मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दिया है और ये देखिए 5 मिनट में हमारा जो चिकन का मसाला है तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में हमें 3 प्याज और 5 से 6 अपने हरी मिर्च लेनी है। लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ नहीं करना आपने इस चिकन को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। आप सरसों के तेल में भी इस चिकन को बना सकते हैं। जैसे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए आपने इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। जो 3 प्याज मैंने आपको दिखाए थे उनको बारीक काट के यहाँ पे ऐड किया है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। फिर आपने थोड़ी देर बाद इसमें करी पत्ता डालना है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में करी पत्ता का यूज़ करना है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा आपके चिकन में। और करी पत्ता को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेते हैं। फिर आपने इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये तब डालना है जब प्याज का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है और प्याज को आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है और चिकन को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब इस चिकन को बनाने की एक और खासियत है, इसको पकाने के लिए पानी का यूज़ नहीं किया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा ना उनको आपने प्रॉपर फॉलो करना है, तभी आप प्रॉपर तरीके से इस चिकन को बना पाएंगे। पहले अच्छी तरह से चिकन को हाई फ्लेम में गर्म कर लेते हैं। जैसे चिकन अच्छे से गर्म हो जाए इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना एकदम लो कर देनी है। ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है क्योंकि चिकन का जो मॉइस्चर है ना उसी के साथ अपन चिकन को कुक करेंगे लास्ट तक में। और ये देखिए चिकन अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक और ऐड कर देते हैं क्योंकि 1 kg चिकन बना रहे हैं तो लगभग 1.5 छोटा चम्मच आपका नमक इसमें यूज़ होगा। यहाँ पे नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए अब आपने ना बीच बीच में पलटा चलाना है। ज़्यादा बार बार इसको पलटी नहीं करना है क्योंकि गैस की फ्लेम हमने कम कर दी यहाँ पे। फिर साथ में जो हरी मिर्ची ली थी हमने उसको देखिए मोटा मोटा काट के डाले यहाँ पे, क्योंकि जब तक चिकन पकेगा जो मिर्ची है वो भी अच्छी तरह से गल जाती है। तो मिर्ची को भी मिक्स कर लेना है।
अब दूसरा स्टेप चिकन को पकाने का, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे चिकन को यहाँ पे पकाते हुए। अब आपने ऊपर से कवर करना है और एकदम लो फ्लेम में ना 5 मिनट तक इसको पकने देना है। 5 मिनट के बाद चिकन ना पानी छोड़ना शुरू कर देगा, जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है ना, उसको छोड़ना शुरू कर देगा। देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं ना चिकन को पकाते हुए, तो इन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है। अभी मसाला नहीं डालना है इसके अंदर, मसाला डाल देंगे चिकन का जो मॉइस्चर है ख़त्म हो जाएगा, चिकन अच्छे से पक नहीं पाएगा। फिर से ऊपर से कवर करेंगे, अगले 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला है। अगर आपको लग रहा होगा कि पानी डाला है, नहीं, कोई पानी यूज़ नहीं किया यहाँ पे मैंने। जो चिकन के अंदर मॉइस्चर होता है ना, वो ही इससे निकला है। और ये देखिए चिकन का ना पीस चेक कर लेते हैं, चिकन लगभग 15 मिनट में ना लगभग 80% तक पक जाता है। और ये देखिए चिकन अच्छे से अंदर से वाइट हो चुका है, मतलब चिकन हमारा 80% तक पक चुका है। इसके बाद इसमें मसाला ऐड कीजिए। तो अभी मैंने देखिए 2 छोटे चम्मच भर के इसमें मसाला डाला है और इसके अंदर लगभग 1.5 छोटा चम्मच मसाले का और बचा है, तो इस मसाले को ना बाद में डालेंगे। पहले जो मैंने मसाला इसमें ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं चिकन के साथ में। और देखिए गैस की फ्लेम देखिए कितने आराम से चिकन पक रहा है, और इतने आराम से चिकन को पकाएंगे ना, चिकन कितना सॉफ्ट और जूसी बनेगा और इसका कितना अच्छा टेस्ट आएगा आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। फिर से चिकन को ऊपर से कवर कर देते हैं, 3 से 4 मिनट तक चिकन को पकने देते हैं ताकि मसाले सॉफ्ट हो जाएं, इनका टेस्ट चिकन के अंदर तक जाए। तो 18 से 20 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए, और चिकन के जो बड़े पीसीज हैं ना वो थोड़ा सा लेट पकते हैं, बाकी जो चिकन के छोटे पीसीज हैं वो तो अच्छी तरह से पक चुके हैं। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 1.5 छोटा चम्मच मसाले का मैंने और ऐड कर दिया है। और ये देखिए लगभग 1/2 छोटा चम्मच मसाले का बच चुका है, तो इसको आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। इस मसाले को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने ना स्टार्टिंग के सिर्फ 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम में चिकन को पकाया था, बाकी सारी कुकिंग मैंने इसकी लो फ्लेम में की है। तो अब आपने गैस की फ्लेम लास्ट में ना थोड़ी सी हाई करनी है ताकि हमारा जो चिकन है ड्राई हो जाए, मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए और चिकन जो है मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। और आराम से इसको पलटी करना है, क्योंकि चिकन जब पक जाता है ना उसके बाद टूटना शुरू हो जाता है। लास्ट में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, और हरा धनिया को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो फ्राई चिकन है वो बनके तैयार हो चुका है। इस तरह से आप इसको बना के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।